उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला विंध्य पहाड़ी की गोद में बसा हुआ है, जिसके कारण यहां पर दर्जनों झरनों के बांध हैं। बारिश के मौसम में यहां प्राकृतिक मौसम खुशनुमा हो जाता है और पहाड़ों से रिसता पानी झरनों का रूप ले लेता है, जिसके चलते यहां पर पिकनिक स्थलों पर वाराणसी, प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लोग अपने दोस्तों, परिवार और चाहने वालों के साथ यहां घूमने चले आते हैं। बारिश के मौसम में यहां का इलाका स्वर्ग से कम नज़र नहीं आता, इसी के चलते हर साल इन इलाकों पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप भी देखिए ये सुंदर नज़ारे, जहां लोग खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। आपका? हमारा नाम रुस्तम है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर लोग आए दिन मौतें होती हैं, आप लोग यहीं कराने वाले हैं, क्या कारण है? यही कारण है कि सर यहाँ पर सब शोर पकड़ करके नीचे उतरने लगते हैं, वो खोह में जाने लगते हैं, और पानी का झोंका जब भी एक बैग यहाँ पर आता है और वही पानी के झोंके में लपेट करके एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, क्या मोबाइल भी कारण इसका बनता है? मेन मोबाइल तो मेन कारण है कि वही सेल्फी लेते हैं उसी मोबाइल से। हाँ, वही सेल्फी लेने के कारण में पानी देख नहीं पाते हैं, एक बैग उधर से आ जाता है पानी और मौतें हो जाती हैं। अच्छा, आप लोग लोकल हैं यहाँ के लोग, जैसे बाहरी को मना भी करते होंगे तो हाँ, क्या कहते हैं अगर आप मना करते हैं तो भी? अरे सर, वो क्या है कि हम लोगों को खुद ही डांटने लगते हैं कि तुमसे क्या मतलब, हम लोग घूमें टहरें उमंग करें। हाँ, हम लोगों को कोई नहीं रोक लगता है। अच्छा, प्रशासन की ओर से क्या नहीं वो करते आते हैं मना करते? प्रशासन तो बार बार मना करती है पर भी लोग मानते ही नहीं हैं। कितनी मौतें हुई होंगी आपको अंदाजा है? हाँ, वो क्या है कि करीब करीब 500 मौतें हो गई होगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? शेरों सिंह। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे लगातार मौतें हो रही हैं इधर 10 दिन के अंदर, आप लोग यही लोकल हैं, क्या वजह मानते हैं, क्या लापरवाही? ये सर कि जो भी आदमी आता है तो सेल्फी लेना चाहता है, मतलब सेल्फी नज़दीक जाके झरना के और सेल्फी लेता है, सरक जाता है पैर और गिर जाते हैं झरना में, और तैरना आता है नहीं और डूब के मर जाते हैं, और बीच में जो चट्टाने हैं पैर फंस जाता है उसमें, इसीलिए यहाँ मौतें अधिक हो रही हैं। अच्छा, ये क्या बनारस के किनारे की वजह से भीड़ ज़्यादा, क्या कारण है यहाँ पे? यहाँ मतलब बहुत लोकेशन बढ़िया है, मतलब दृश्य देखने लायक, झरना बहुत मस्त है, इसीलिए दर्शनार्थी यहाँ आते हैं घूमने के लिए, और मौतें इसीलिए होता है, उनको जानकारी नहीं है, वो झरना के पास चले जाते हैं और लोकल आदमी वो पास नहीं जाता है, यही कारण है कि मौतें अधिक हो रही हैं। अच्छा, आप काफ़ी यहाँ पे समय बिताए हैं तो आपको अंदाजा होगा अब तक कितनी यहाँ पे मौतें? अरे सर, हर साल कम से कम 50 से मौत हो सकती है, मौत होती है 50-40 हर साल होती है। जिला दिल्ली जगह जहाँ देखा गया है कि एक आधा दर्जन मौतें हो चुकी हैं लगभग 10 दिन में, क्या पूरा एक रीजन था, आप मौके पे भी गए थे, क्या आपको रीजन निकला कि ये मौतें का कारण क्या है और क्या सिफ्ट किया गया? उसकी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखन वहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में थोड़ा सा बता दूँ कि मुख्य शहर रास्ते से जो जुड़ा हुआ है लखनिया दरी, लखनिया दरी से लगभग 2.5 किलोमीटर ध्रुव पहाड़ी और दुर्गम रास्ते से होते हुए ट्रैकिंग का रूट है, और यद्यपि कोई रास्ता नहीं है लेकिन नालों के किनारे किनारे से जा करके लोग चूना दरी तक पहुँचते हैं। चूना दरी में खासियत यह है कि चूंकि वहाँ पानी लगभग 100 फुट ऊंचाई से गिरता है तो नैसर्गिक सुंदरता बढ़ जाती है, वो पर्यटकों के लिए एक विशेष चार्म है, उसके देखने के लिए लोग जाते हैं, और वहाँ पर जो इधर घटनाएं घटी हैं उसके विषय में बताना चाहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं लेकिन पर्यटक को मना करने के बावजूद भी वह एक ढंग से साहसिक अपनी यात्रा को साहसिक बनाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर जब पानी 100 फुट से नीचे गिरता है और सदियों से गिर रहा है तो इतना स्लिपरी और काई नुमा हो गया है और उसके नीचे गड्ढा बन गया है, और गड्ढे की अभी सही एग्जैक्ट, चूँकि पानी हमेशा रहता है तो एग्जैक्ट उसकी गहराई नहीं मापी जा सकी है, लेकिन जहाँ तक कि गोताखोरों और लोग जो उसमें घुस करके हैं तो उनसे एक अनुमानता उसकी 70 से 75 फुट तक की गहराई भी वहाँ है,
ऐसी स्थिति में कोई भी बंदा जब वहाँ पर काई से सरक करके आनन फानन नीचे चला जाता है तो पथरीली जगह है, बहुत कुछ संभव है कि वहाँ पर पैर फंस जाता होगा और वो फिर ऊपर नहीं निकल पाता है। लेकिन इधर जो घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोग सावधानी बरतने के लिए अब उस रास्ते को प्रशासन ने कहा बंद करने के लिए, तो तत्काल उसको हम लोगों ने जाली लगा करके, जो कांटे जालीदार तार लगा करके पूर्णतः बंद करा दिया गया है। वहाँ स्टाफ खड़ा कर दिया गया, पुलिस की तैनाती हो गई है। परसों भी हमने विजिट किया था, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई, जगह जगह इश्तहार लगा दिए गए हैं कि आगे खतरनाक रास्ता है, आप आगे न जाएं और रास्ता बंद है। चूना दरी का रास्ता पूर्णतः बंद कर दिया गया है। कुछ दिनों में बाद जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि स्थिति सामान्य होने पर लखनीय दरी जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। एक सर कारण जो है, हम वहाँ मौके पर गए थे, क्या सेल्फी एक बड़ा कारण इस समय बन रहा है? देखिए, सेल्फी पर्टिकुलर तो पूरे वर्तमान समाज में ही एक दुर्घटना का कारण है, सिर्फ यही नहीं। आप देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, कहीं पुल हो, नदी हो, तालाब हो, सब जगह लोग सेल्फी लेने के चक्कर में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोज लेने के चक्कर में इस ढंग से लोग दुस्साहस करते हैं और जैसे पैर फिसल गया तो हादसे का शिकार होते हैं। तो वही घटना यहाँ पर भी है, लेकिन आम आदमी जो है सामान्य समाज के लिए, सामान्य बिल्डिंग में या रोड पर खड़े होने के लिए तो अभ्यस्त होता है, लेकिन इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से विद्या प्रकाश भारती की रिपोर्ट।